मुनि राजकुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आज दिल्ली सरकार त्यागराज स्टेडियम में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित होंगे। अयोध्या में आज आयोजित होने वाली भाजपा सांसद और WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण की सभा स्थगित कर दी गई है। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के आदेश के बाद ब्रिजभूषण ने ये फैसला लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अजमेर जिले में जिला स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी एवं गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आज अवधेश राय मामले में वाराणसी की MPMLA कोर्ट सुनाएगा फैसला। बता दें कि मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं। उड़ीसा रेल दुर्घटना की होगी CBI जांच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। उन्होंने कहा कि अब तक की मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए CBI जाँच की सिफारिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में BJP के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ब्रिजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे मामले को लेकर कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है, सभी को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिना याददाश्त वाले मुख्यमंत्री आजकल सपने में खुद को देश का प्रधानमंत्री बना हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी टीम उत्साहवर्धक होकर काम कर पाती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए इस न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजधानी दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह बैठक आज और कल 2 दिनों तक चलेगी। इस दौरान औद्योगिक सहयोग के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण कर मनाया जा रहा है। बता दें कि पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य लगातार जहरीली हो रही हवा और इससे उत्पन्न होने वाले बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल गो फर्स्ट को किराए पर विमान देने वाली 3 कंपनियों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बता दें कि इस याचिका में इन कंपनियों ने बकाए का भुगतान न करने पर कैश संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को किराए पर दिए गए विमानों के वापसी की मांग की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज भी हमीरपुर के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद राधा कृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन नए कैंपस का निरीक्षण करेंगे। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी को समाज को आगे बढ़ाना है। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, समाज की प्रगति होगी तो राष्ट्र की प्रगति होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज तथा वर्तमान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के कारण ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में G20 कार्यक्रम आयोजित करने से घाटी में पर्यटन को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक भारत और पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को बातचीत के जरिए नहीं सुलझाते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र और उड़ीसा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास दुर्घटना के मामले में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, उनके पास घट रही है, ऐसे कैसे है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने मुसलमानों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बहाल करने की मांग की है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर मनसा देवी पहुंची, जहां उन्होंने कहा मूसेवाला मामले को एक साल हो गया है और लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। शायद सरकार इंसाफ नहीं देना चाहती। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि इस सरकार को अगर इस बार नहीं हटाया गया तो ये ऐसे ही काम करके देश को कमजोर करते रहेंगे। अग्निवीर जैसी योजना लाकर फौज को कमजोर तो कर दिया है। नैनीताल में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा यूपी की पर्यटकों का वाहन। यह घटना भावली मार्ग में भूमिया धार के समीप बताया जा रहा है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में झारखंड के गोड्डा के दो मजदूरों की जान चली गई, जो काम की तलाश में चेन्नई जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ ओबेसिटी डायबिटीज एंड इंडोक्राइन सोसाइटी के पहले वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, वांछपन, पिट्यूटरी हार्मोन से संबंधित विकार हैं, जिसका इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ द्वारा इलाज संभव हो सकता है। अहमदाबाद में चोरों के निशाने पर है साइकिलें। कोरोना महामारी के बाद बढ़ गई है ये घटना। कहा जा रहा है कि कोविड 19 के प्रभाव के बाद अधिक संख्या में लोग साइकिल चला रहे हैं, जिस पर अब चोरों की नजर है। राजस्थान में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त को लेकर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें भी खरीदने का प्रयास किया था, जिसका उनके पास सबूत है। सहरसा जिला निर्वाचन पदाधिकारी वैभव चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक सहरसा उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर में अवस्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। पश्चिम चंपारण के बगहा दो प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरवल और बरवल में पिछले दिनों मध्याह्न भोजन खाने से 150 छात्र छात्राएं बेहोश हो गए, जिन्हें स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब इस मामले की प्रशासन द्वारा जांच कराई जा रही है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।